अमेजिंग, हमने लास्ट में एंड किया है फैशन का है ये जलवा। तो गुड इवनिंग गाइस, आप सब कैसे हो, आप सबका स्वागत है इस बार और हमारे न्यू ब्लॉग में दोस्तों। तो दोस्तों आज हमारा फंक्शन है इंगेजमेंट का और होटल का नाम है जेपी सिद्धार्थ, दिल्ली में ही है, हमारे ऑफिस से 14 किलोमीटर दूर। तो चलो व्लॉग स्टार्ट करते हैं और चलते हैं जेपी सिद्धार्थ होटल और काम स्टार्ट करके आपको सारी चीज़ें बताते हैं। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, प्लीज़ दोस्तों थोड़ी हेल्प करो यार, काफ़ी टाइम से मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, आगे नहीं बढ़ रही। प्लीज़ मैं यूट्यूब से भी कहना चाहूँगा, प्लीज़ यूट्यूब थोड़ी कृपा हम पे भी करिए और थोड़ा सा रीच हमें दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को बनाओ, काफ़ी टाइम हो गया कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है ना, उसके चक्कर में हिम्मत टूट रही है दोस्तों, प्लीज़ हेल्प करो यार। अब चलो सीधा चलते हैं हम होटल में, काम स्टार्ट करके आपको बताते हैं। गाइस आप देख सकते हो अब हम जा रहे हैं शूट के लिए, मौसम बहुत ही साफ हो रहा है और वेदर भी अच्छा हो रहा है गाइस, ये ऐसा लग रहा है गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं हॉल के अंदर, आप देख सकते हो सेटिंग हो रही है अभी कुछ लगा नहीं लग रहा है और हम भी सामान सेट कर रहे हैं अभी आपके सामने। चलो मैं आपको बाहर का कुछ बताता हूँ, मैं भी नहीं गया अभी, देखते हैं कैसा है बाहर। ओपन एरिया लग रहा है दोस्तों ये, हाँ तो आप देख सकते हो ओपन एरिया है ये, अंदर ही खास है, यहाँ तो खाने वाने का सिस्टम है। बाकी गाइस आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख कर बताओ यार, मेरे अकॉर्डिंग नॉर्मल लोकेशन है, अच्छी है लोकेशन। अब चलो सामान सेट करते काम स्टार्ट लेते और आपको दिखा दे दोस्तों, तब तक देखते रहिए वीडियो को और शेयर करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, यूट्यूब प्लीज़ हेल्प करो हमारी वीडियो को शेयर करते रहो। तो दोस्तों आप देख सकते हो सामान सेट हो चुका है, अब चलो शूट स्टार्ट लेते हैं हम। दोस्तों आप देख सकते हो काम स्टार्ट हो चुका है, हमारा रूम आ चुके हैं, अभी डेकोरेशन भी रेडी है। वैसे फर्स्ट शॉट ले रहे हम डीजे का लेते हैं आज, आप देख सकते हो, वैसे अभी यहाँ का शॉट ले रहे हैं आप देख सकते हो। सो गाइस आप रेगुलर देखते हो कि हम ब्राइड का सेशन पहले कर रहे हैं तो आज रमन भैया का कर रहे हैं। रमन भैया आपकी व्लॉग बन रही है, क्या कहना चाहोगे ये बताओ भैया। आज गेम हमारा है और तो देखा दोस्तों भैया ने बोल दिया गेम इनका है, तो चलो स्टार्ट लेते हैं काम को और बहुत ही मजा आने वाला है क्योंकि बहुत एक्साइटेड है यार ये लोग काम के लिए। तो वैसे यहाँ से एंगल ले रहे भैया, पिक्चर से शॉट ले रहे हैं अभी आप देख सकते हो, स्टेट का शॉट ले रहे हैं वैसे भैया वहाँ से शॉट ले रहे आप देख सकते हो, खाने पीने के एरिया पे आ चुके हैं, वो वाले शॉट ले रहे आप देख सकते हो कितना बढ़िया सजाया हुआ केक का। तो दोस्तों फाइनली मैंने डेकोरेशन कंप्लीट कर दी है, अब कुछ देर मैंने सोमिल के हाथ में कैमरा दिया है क्योंकि ये शूट कर रहे हो कुछ सीखे आप देख सकते हो। और भाई कैसे लग रहा है शूट करते, बहुत अच्छा गाइस आप देख सकते हो मेरा छोटा भाई ही है सीख रहा है अभी, मैं सब रूम के एंट्री हो रही है इंटरव्यू ले रही है सब देख सकते हैं, अभी हम लोग प्रशिक्षण करने आ चुके हैं, यहाँ पे डार्क शॉट ले रहे हैं यहाँ पे कुछ रवि भैया ले रहे, तो वैसे पृथ्वी भाई ले रहे। तो मैम आपकी व्लॉग बन रही है, कुछ कहना चाहोगे भैया आप। वशिष्ठ रैन की यादों की गुल्लक का डे टू डे थ्री हाफ फोर फाइव जो भी डे हो अब हम आ गए, इसको कुछ नहीं पता, मैं बता रहा हूँ फोर्थ है। फोर कैसे है, सैटरडे से शुरू करे तो सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे आज वेंसडे डे फाइव, सैटरडे पर मेरा सैलरी नहीं बना, फाइन इट्स डे फाइव, डे फाइव फॉर मी डे फोर फॉर हिम, चलो लेट्स सेटल एट दैट। तो गाइस आप देख सकते हो, अच्छा ये बताओ आप कितने एक्साइटेड हो अपनी एंगेजमेंट के लिए। ऑन अ स्केल ऑफ 1 टू 100 10000 मैं इनफिनिटी। मैम आप देख सकते हो गाइस ये बहुत एक्साइटेड है और बहुत जबरदस्त कपल भी है, ये बहुत ऑसम दिख रहे दोनों जने, टेढ़ी हो चुकी है थैंक्स टू रवि भैया। इसके बाद जो फिजियोथेरेपी सेशंस होंगे वो भैया फंड कर रहे हैं। तो गाइस तो चलो गाइस अब हम शूट करते हैं और आपको दिखाते। तो गाइस
से हम वॉकिंग शॉट करा रहे हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पे पीछे से शॉट ले रहे हैं, ऐसे सामने से शॉट ले रहे हैं यहाँ पे। तो गाइस आप देख रहे हो रवि भैया ब्राइड के शूट कर रहे, मैंने भी शूट ले लिए ब्राइड के, और भी शॉट लेने, कपल शॉट्स हो चुके हैं हमने। आप देख सकते हो हमारी ब्राइड बहुत ही सुंदर है आज की, ऑसम ब्राइड है गाइस। आप सामने देख सकते हो, आप भैया भी ऑसम है, बहुत अमेजिंग जोड़ी है दोनों की। आप देख सकते हो बहुत बढ़िया शूट्स भी आ रहे हैं हमारे, इसके अंदर ही कितना प्यारा आ रहा है, आप देख सकते हो ज़बरदस्त शॉट आ रहा है गाइस। सब ये भैया शूट कर रहे हो, वॉकिंग शॉट ले रहे ब्राइड का, देख सकते हो सोलो। वैसे दोनों बहन ब्राइड शूट कर रहे, वैसे सर को हटा दिया और गर्ल्स घूम रहे, वैसे ऑल फ्रेंड्स फन वाला शूट कर। वैसे अभी यहाँ पे वॉक करेंगे, आप देख सकते हो ऑल फ्रेंड्स। तो गाइस ये ऑल फ्रेंड्स वॉक कर रहे। सो गाइस फाइनली हमारा सेशन कंप्लीट हो गया, और आकांक्षा बताओ कैसा करा सेशन हमने? अमेजिंग, हमने लास्ट में एंड किया है फैशन का है ये जलवा। सो गाइस आप देख सकते हो सबके साथ शूट करे, बहुत ही मजा आया। लेट नहीं आया मैं, सबसे पहले आया हूँ। तेरी ऊपर मिक्सिंग चल रही है गानों की, पता है कितनी प्रेपरेशन की है भैया ने, बड़ी मेहनत करी है। इसकी वाइफ ने किया है, एक लौती अच्छी लड़की मैंने की है। चलो चलो दोस्तों ऊपर चलते हैं, ऊपर शूट लेते हैं हम लोग। आप देख सकते हो हम आ चुके हैं बैंकेट के अंदर, शूट कर रहा है सोमिल, अभी रस्में चल रही है कुछ, सब खड़े हैं, थोड़ी देर में डांस परफॉर्मेंस होने वाली है दोस्तों। ब्राइड की एंट्री हो रही है यहाँ पे, आप देख सकते हो। तो गाइस भैया ग्रूम का एक्सप्रेशन ले रहे हैं यहाँ पे। गाइस फाइनली एंट्री हो चुकी है कपल की, कपल की डांस वाली एंट्री होने जा रही है आज के दिन में, दूसरी एंट्री। गाइस ये डांस शुरू हो गया है यहाँ पे, आप देख सकते हैं सब आ रहे। दूल्हा नाच में आप देख रहे हैं दूल्हन और दूल्हा, मैं तो होटल के अंदर एंटर कर चुके हैं आप देख सकते हो। तो गाइस अब डांस परफॉर्मेंस होने जा रही है, आप देख सकते हो बहुत जबरदस्त कर रहा है, ऐसे डेली परफॉर्मेंस हो रही है यहाँ पे, आप देख सकते हो यहाँ पे भैया शूट कर रहे अभी। ऐसे मम्मी के साथ परफॉर्मेंस हो रही है, आप देख सकते हो। डांस परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया कैप्चर हो चुकी है, अब रिंग सेरेमनी होने जा रही है। वीडियो को देखते रहिए, कमेंट करते रहिए, और डांस की ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए और सपोर्ट करते रहिए दोस्तों। ग्रुप करा रहे हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो। तो कैसे चुन्नी पहना दी है यहाँ पे, आप देख सकते हो। तो गाइस रिंग सेरेमनी होने जा रही है, चलो शुरू करते हैं रिंग सेरेमनी। गाइस यहाँ पे कुछ रिंग के शॉट ले रहे हैं आप देख सकते हो।
आप देख सकते हैं हम फ्लावर शूट को यहाँ पे कुछ स्पेस to express how much you mean to me. तो गाइस रिंग सेरेमनी हो रही है यहाँ पे. Congratulations and celebrations. वैसे अभी ये ब्राइड के बारे में स्पीच देने की बहुत सालों से मैंने फ्रेंड्स नहीं देखा था. मुझे कितने दोस्तों ने मेरा फ्रेंड्स देखा था, मैं बहुत रुका. फाइनली आई कैन अप्रिशिएट इट विद यू, सो यस, अ मिलियन टाइम्स यस. एक बार और हम इंटरव्यू लेने आ चुके. इस बार अभी हम भैया का लेने आए, आप देख सकते हो अभी सेट कर रहे सब कुछ. वैसे एक चैनल को और लेके आ चुके हैं, आप देख सकते हो. आप रमन को कैसे जानते हैं? दूसरे इंटरव्यू के लिए रमन और मेरी मुलाकात बेसिकली ट्रिपल आई टी में हुई थी, बट हम लोग अच्छे से बात. फाइनली गाइस आपको ये व्लॉग कैसी लगी बताइए. आज हमने थोड़ा डिफरेंट इंटरव्यू लिया इस वजह से, एक्चुअली ये जो ग्रूम एंड ब्राइड है ना, वो एक्चुअली 3-4 बार उन्होंने बोल दिया था इंटरव्यू लेना ही है, और संदीप भैया ने भी बोला था, सतीश भैया ने भी बोला था, इसलिए ये लेना बहुत ही ज़्यादा नीट रह गए ज़रूरी हो गया. तो इस व्लॉग के अंदर आज थोड़ा डिफरेंट यही है. आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ. हमने पहले भी बहुत सारे इंटरव्यू लिए हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बोला गया था, इस वजह से हमने फंक्शन ख़त्म होने के बाद लिए. ये रात के 2 बजे 2:30 बजे. इस ब्लॉग के अंदर कैसा लगा प्लीज़, अच्छा लगा है तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो यार, प्लीज़ यार सपोर्ट करो. मैं यूट्यूब से भी कहूँगा प्लीज़ हेल्प करो मेरी, मैं काफ़ी टाइम से वीडियो डाल रहा हूँ, मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा, प्लीज़ हेल्प करो. इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं बहुत जल्द. तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, बाय बाय, जय माता दी.